गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर साइंस क्लास एंड हियर वी गो चैप्टर नंबर 10, मशीन्स वी यूज। आई एक्सप्लेन यू चैप्टर 10, मशीन्स वी यूज। मशीन्स जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मशीन्स का क्या रोल होता है हमारी डेली लाइफ में, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, हाउ मैनी आर टाइप्स ऑफ मशीन, कितने टाइप्स की मशीन होती हैं, सिंपल मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन्स, कौन सी सिंपल मशीन्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन कौन सी होती हैं, हमें सेफ्टी कैसे करनी चाहिए, कैसे रखना चाहिए मशीन्स को, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें फोर्स एंड वर्क, ठीक है। हमें पता है फोर्स क्या होता है, किसी भी वर्क को करने के लिए हमें फोर्स की नीड होती है, ठीक है। कुछ भी वर्क हम करते हैं तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। व्हेन अ फोर्स मूव्स समथिंग वर्क इज डन, जब भी फोर्स की लगाया जाता है किसी भी चीज़ पर, कुछ भी हम फोर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वर्क होता है। और एनी पुश और पुल इज फोर्स, कुछ भी पुल कर रहे हैं हम, पुश कर रहे हैं, दैट इज कॉल फोर्स। भाई किसी भी चीज़ को हम पुश करते हैं, खींचते हैं या ढकेलते हैं तो उसमें हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम, उसके ज़रिए वर्क करते हैं। तो फोर्स क्या होता है, जो हमें वर्क करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं, ठीक है। मेनली आपको फोर टाइप्स बताए गए हैं। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जिसमें हम अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी हेल्प से हम अर्थ पर रुके हुए हैं, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो एक फोर्स लगाती है जिससे हम उस पर रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो मैग्नेट अप्लाई करती है आयरन या स्टील के सब्सटेंसेस पे। आपने देखा होगा कुछ आयरन और स्टील के सब्सटेंसेस होते हैं, मैटर होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे जो मैग्नेट होती है वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वो किस फोर्स के जरिए अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक फोर्स के जरिए। फिर आता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लगता है टू सरफेस के बीच में, दो सरफेस के बीच में, जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी एनर्जी। किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। भाई कोई भी काम जब हमें करना होता है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, ठीक है। इट मीन्स जो एनर्जी है वो हमें किसी भी वर्क को करने की हेल्प करती है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम वो वर्क नहीं कर पाएंगे। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी होती हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स में एनर्जी पाई जाती हैं। हीट एनर्जी है जो फूड को कुक करने में यूज़ होती है, वाटर से स्टीम बनाने में चेंज होती है, स्टीम इंजन को मूव कराने में चेंज होती है, ठीक है। फिर सेकंड है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी हमें हेल्प करती है चीजों को देखने में। और प्लांट्स यूज करते हैं लाइट का टू मेक देयर फूड, अपना फूड बनाने में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म में है, जिसकी हेल्प से वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, गीजर, इलेक्ट्रोपैट, ये सब क्या होते हैं, सब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही चलते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी वर्क करती है। साउंड एनर्जी, लाउड थंडर, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान के साथ जब बिजली गड़गड़ाती है तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सन जो है हमारा, सूरज, वो सबसे ग्रेटेस्ट सोर्स है एनर्जी का हमारी अर्थ पर, ठीक है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, वो हमें हीट और लाइट देती है। और वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम मूविंग वाटर, विंड एंड बर्निंग फ्यूल। और हमें इन सब चीज़ों से भी एनर्जी मिलती है, किससे, मूविंग वाटर, विंड और बर्निंग फ्यूल। अब आती हैं मशीन्स। मशीन्स क्या होती हैं, मशीन्स की हेल्प से हम कैसे वर्क कर पाते हैं। आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ए, इसमें क्या हो रहा है, एक पर्सन अपनी हैंड की हेल्प से एक पत्थर को, एक स्टोन को धकेल रहा है, बाउल्डर इसे कहा जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या करा, उसने एक डिवाइस यूज़ कर ली, ठीक है। ऐसे ही इसी तरह इसमें क्या हुआ, जो ये कुएं में से पानी निकाल रही हैं तो इन्होंने कुछ चीज़ का मतलब इस्तेमाल नहीं किया, किसी का भी यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पुली का यूज़ किया है, ठीक है। ऐसी इसमें देख रहे हैं आप, ये हैवी बॉक्स उठाने की इसमें कोशिश कर रहे हैं बट नहीं उठा पा रहे हैं। और इसमें क्या करा उन्होंने, स्लोप जैसी एक नॉर्मल मशीन आप कह सकते हैं, नॉर्मल डिवाइस का यूज़ करा है, ठीक है। तो इन पिक्चर्स में हमने क्या देखा है, इन पिक्चर्स से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमने अपना वर्क इजी बनाने के लिए कुछ इस तरह की मशीन्स का, सिंपल मशीन्स का यूज़ करा, ठीक है, कुछ टूल्स का यूज़ करा जिन्हें मशीन्स कहते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या रिजल्ट निकला कि मशीन्स जो होती हैं वो हमारा वर्क ईजी बनाती हैं और हमारा जो फोर्स है उसको रिड्यूस करती है, यानी कि किसी वर्क को करने के लिए हमें कम से कम फोर्स लगाना पड़ता है और कम समय में भी हमारा काम हो जाता है
और कम फोर्स भी हमें अप्लाई करना पड़ता है। ऐसी ऐसी टूल्स को या ऐसी डिवाइस को क्या कहा जाता है? मशीन्स कहा जाता है। अब आती हैं सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन क्या होती हैं? अ सिंपल मशीन इज वन विच चेंजेस अ डायरेक्शन और अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई टू डू अ वर्क। जो डायरेक्शन चेंज करती हैं या अमाउंट ऑफ फोर्स जो होता है जो अप्लाई किया जा रहा है वर्क को करने के लिए, वो बहुत कम यूज होता है हमारी सिंपल मशीन्स के जरिए। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी दो या दो से ज़्यादा मशीन्स एक साथ वर्क करती हैं, ठीक है, तो उनको कॉम्प्लेक्स मशीन्स कहा जाता है। अब हम यहाँ पे पहले 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स पढ़ेंगे। लीवर, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, स्क्रू, व्हील, एक्सल एंड पुली। सबसे पहले देखते हैं लीवर। लीवर क्या होता है? अ लीवर कंसिस्ट ऑफ अ रॉड फ्री टू मूव अबव अ फिक्स पॉइंट। एक रॉड होती है, ठीक है, वो एक फिक्स पॉइंट के जरिए मूव करती है। जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं वो तो आपका एफर्ट कहलाता है, आप एफर्ट कितना लगा रहे हैं, ठीक है, और ये कि जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाता है? फैलक्रम कहलाता है, ओके। और जो आपका लोड है, जहाँ पे आपका ये बाउल्डर है या जहाँ पे जो भी आपका सब्सटेंस रखा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? लोड कहलाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, एक रॉड होती है जो फिक्स पॉइंट के जरिए होती है, वो फिक्स पॉइंट फैलक्रम होता है। जहाँ आप फोर्स लगा रहे हैं वो एफर्ट है, और जहाँ पे आपका लोड है या जहाँ पे आपको वो सब्सटेंस है जिस पे आपको एफर्ट लगाना है, वो क्या कहलाता है? लोड कहलाता है। अब थ्री टाइप्स के लीवर होते हैं। क्लास वन लीवर। क्लास वन लीवर में क्या होता है? जो फिक्स पॉइंट होता है, फैलक्रम होता है, वो सेंटर में होता है। जहां आप एफर्ट लगा रहे हैं वो एफर्ट पॉइंट हो जाएगा। जहां आपका सब्सटेंस रखा है जिसपे आपको एफर्ट लगाना है, वो रॉड लोड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैची सीजर में, यहां पे आप क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं, ये फिक्स पॉइंट है, और यहां पे आपको जो भी चीज कट करनी है यानी कि लोड आपका। इसी तरह सीसो में देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट होता है, ये लोड है, और ये एफर्ट लगा रहे हैं इनको नीचे करने के लिए। क्लास टू रिवर में क्या होता है? क्लास टू रिवर में लोड हमारा सेंटर में होता है और फैलक्रम यानी कि फिक्स पॉइंट साइड में होता है, और एफर्ट हम जिस तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे बॉटल ओपनर है इसका, तो ये क्या है? फैलक्रम है, ठीक है, फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे लोड है बीच में, और यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं। इसी तरह नटक्रैकर में भी यही होता है, यहाँ से हम एफर्ट लगाते हैं, और क्या कहते हैं, ये फैलक्रम है, फिक्स पॉइंट, यहां पे हम नट्स यानी कि अपना लोड रखते हैं। क्लास थर्ड रिवर में क्या होता है? क्लास थर्ड रिवर में फैलक्रम साइड में होता है, एफर्ट्स हम सेंटर में लगाते हैं, और लोड यानी कि सब्सटेंस जिस पे हमें एफर्ट लगाने हैं वो साइड में होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं, ये लोड है साइड में, यहाँ पे साइड में है, एफर्ट हम बीच में लगाते हैं, फैलक्रम यानी कि फिक्स पॉइंट हमारा साइड में है, ठीक है। सभी क्लास जो हमारे लीवर्स होते हैं वो हमारे फोर्स को डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है और हमारा वर्क जो है वो इजीली हो जाता है। नेक्स्ट हमारी मशीन आती है पुली। पुली क्या होती है? एक व्हील होता है, उसके साइड में एक रोप या चेन लगा दी जाती है जो उसके साइड से पास होती है। इस तरह से आप, मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब पानी निकाल रही हैं वेल से, कुएं से, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है ना, ठीक है, ये खींचने में रस्सी। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? पुली का यूज़ करा गया है, तो ये पुली पे इजीली रस्सी जो है वो अपने आप खींचती है। मतलब इसको पीछे से फोर्स लगाते हैं और हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, और इसके ज़रिए वो बाल्टी जो है ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो यही हमारी पुली होती है, ठीक है। क्रेन्स में जो हैवी वेट होते हैं उनको उठाने के लिए पुली का यूज़ किया जाता है, और जो बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड चीज़ें होती हैं उनको उठाने के लिए हम पुली का यूज़ करते हैं। व्हील और एक्सल क्या होते हैं? व्हील तो आप सब जानते हैं, ठीक है। व्हील का जो इन्वेंशन है वो अर्ली ह्यूमंस ने किया था। स्टार्टिंग में जो लोग थे वो पैदल ही ट्रैवलिंग किया करते थे बहुत बहुत दूर तक, लेकिन फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ। अब व्हील का इन्वेंशन व्हीकल्स में भी होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें व्हील का यूज़ होता है, और व्हील ने हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया था, और ये बहुत ही ग्रेट इन्वेंशन माना जाता है ह्यूमंस के द्वारा किया हुआ, ठीक है। और व्हील के साथ एक चीज़ और होती है, एक्सल। एक्सल क्या होती है? व्हील जो है वो अकेला ही मशीन नहीं होता है, उसको एक रॉड के थ्रू जब कनेक्ट किया जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? एक्सल, ठीक है। व्हील अकेला ही जो है, आप ये देख रहे हैं कार में व्हील लगे हुए हैं, तो ये कार में व्हील एक एक्सल के, एक रॉड के अकॉर्डिंग उससे टच है, कनेक्ट है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सल कहलाता है, ठीक है। जहाँ जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक स्विंग है, झूला है, ठीक है, इसमें व्हील और एक्सेस हैं, एक व्हील का फॉर्म दिया गया है इसे, और ये सब रॉड्स लगी हुई हैं जिससे ये कनेक्टेड है,
ठीक है, स्क्रू ड्राइवर भी एक एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सल का, हैंडल ऑफ व्हील वेयर द फोर्सेस अप्लाई, हैंडल ऑफ व्हील होता है जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड इट्स अंडर शेफ्ट और एक्सल विच हेल्प्स टर्न द स्क्रू, और जो शेफ्ट या एक्सल होती है वो हेल्प करती है स्क्रू को टर्न करने में। सीलिंग फैन जो वर्क करता है हमारा वो भी व्हील एक्सल फॉर्म में या उसके कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, एंड इंक्लाइंड प्लेन इज अ सिंपली अ स्लोप विद वन एंड हायर देन द अदर। इंक्लाइंड प्लेन एक स्लोप होता है जिसमें क्या होता है, एक हायर एंड होता है और एक लोअर एंड होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्लोप जो होते हैं उनका यूज़ कहाँ किया जाता है, मोस्टली पब्लिक प्लेसेस में, जो क्या कहते हैं मॉल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अब मोस्टली उनमें रैम्प्स का, रैम्प्स ये हमारे रैम्प्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम व्हील चेयर्स जो है वो इजीली चढ़ा सकते हैं, या कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके पैर में कुछ प्रॉब्लम होती है वो इजीली चढ़ नहीं पाते हैं सीढ़ियाँ, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है, ये रैम्प्स बना दिए जाते हैं। और हिली एरियाज में भी स्लोप्स का यूज़ होता है रोड्स पे, ताकि जो कार या व्हीकल्स हैं को ट्रैवलिंग करने में इजी रहती है, और जो हैवी कहते हैं वेटेड चीज़ें होती हैं या कुछ व्हीकल होते हैं उनको चढ़ाने के लिए भी स्लोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी वेज। वेज क्या होता है, जब दो इंक्लाइंड प्लेन ज्वाइन होते हैं और वो एक शेप बनाते हैं किसकी, वी की, तब हमारा वेज बनता है। ठीक है, व्हेन टू इंक्लाइंड प्लेन्स आर जॉइंड बैक टू बैक इन द शेप ऑफ वी, इट फॉर्म्स अ वेज, वो वेज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख सकते हैं नाइफ है, ठीक है, और किसी को कट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम वेज का यूज करते हैं, एक बहुत ही हैवी है वुड है, वुड का पार्ट है, लकड़ी का पार्ट है, ठीक है, इसको कट करने के लिए क्या करते हैं, हम वेज का यूज करते हैं। स्क्रू क्या होता है, स्क्रू लुक लाइक अ नेल, स्क्रू नेल की तरह दिखाई देता है, नेल यानी कि कील, ठीक है, ग्रूव्स कट इन इट, उसमें कट्स होते हैं और इसकी जो एज होते हैं वो लाइक थ्रेड होते हैं, टू इंसर्ट इट इन टू वुड, इट हैज़ टू बी स्क्रूड बाय टर्निंग इट राउंड एंड राउंड विद अ स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे वुड में या वॉल में इंजेक्ट कराया जाता है, और ये क्या करता है, बहुत ही लेस फोर्स हमें इसमें लगाना पड़ता है वुड में या वॉल में इंजेक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, और नेल में हमें, कील में हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, स्क्रू इज एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन वाउंड अराउंड अ रॉड, यू कैन प्रूव दिस ईजिली। फिर आती हैं सेफ्टीज। सेफ्टी कैसे करनी चाहिए हमें अपनी मशीन्स की, अब हमने इतनी सारी मशीन्स पढ़ी हैं, हमारे पास अगर मशीन्स हैं तो हम उनकी सेफ्टी कैसे करेंगे, उनकी देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। टू मूविंग पार्ट्स ऑफ पुली एंड लीवर्स कैन कॉज सीरियस इंजरी, दे शुड बी यूज वेरी केयरफुली एंड यूज विद केयर। जो पुलीज होती हैं या जो लीवर्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, इसलिए आप जब भी उन्हें यूज़ करें तो बहुत केयरफुली यूज़ करें। डो नॉट गो नियर प्लेस वेयर हैवी लोड्स आर बींग लिफ्टेड बाय पुलीज, ऐसे प्लेसेस जहाँ पर पुलिस के जरिए, पुली की हेल्प से हैवी लोड्स को उठाया जाता है, वहाँ पर आप ना जाएं, ठीक है, और मेक श्योर दैट द रोप इज इन गुड कंडीशन बिफोर यूजिंग अ पुली। पुली को यूज करने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि उसकी जो रोप है वो सही से वर्क कर रही है या नहीं, ठीक, और द मशीन्स शुड बी वेल ल्यूब्रिकेटेड, जो मशीन्स हैं उन पे कुछ अप्लाई कर देना चाहिए, जैसे कि ऑयल है या ग्रीस है, जिससे वो स्मूथली सॉफ्टली वर्क कर सके। शार्प एजेस जो होते हैं नाइफ्स के या सीजर के, वो बहुत डेंजरस होते हैं, उनको केयरफुली हैंडल करना चाहिए, अगर आप शार्प पॉइंटेड चीज़ों को कैरी करते हैं, ले जाते हैं, तो उनका जो पॉइंट है वो हमेशा डाउन यानी कि नीचे की तरफ रखना चाहिए, उनको बहुत ही केयरफुली होल्ड करें जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, शार्प पॉइंटेड टूल्स को हमेशा उनके टूल बॉक्स में रखें, कभी भी उनको ऐसी ज़मीन पर या ऐसी इधर उधर ना बिखेर के रखें, टूल्स जो होते हैं वो हमेशा आप एक टूल बॉक्स बनाएं और उसमें अपने टूल्स रखें हमेशा, ठीक है, जिससे आपके जो टूल्स हैं वो इधर उधर फ्लोर पर ना पड़े हों और किसी को इंजरी ना हो।